इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, जिसमें कभी कभार तो वे कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमारी हंसी रुकती ही नहीं, और कुछ तो ऐसे काम करते हैं जिन्हें हम देखते ही रहते हैं और उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आपको जानवरों के ऐसे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। भेड़ को अगर देखा जाए तो वो किसी भी एंगल से खतरनाक नहीं लगती, लेकिन हमें इसके मासूम चेहरे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी ट्रिगर हो जाती है और हमला कर देती है। अगर कोई भी भेड़ आपको ऐसे पीछे जाते हुए दिखे तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाना, क्योंकि ऐसी पोजीशन वो सामने वाले पर हमला करने के लिए लेती है। वैसे इसकी सबसे बिना वजह पंगा लेने की आदत जाएगी नहीं, लेकिन गलती तो सबसे होती है, क्योंकि इसे ऊंट से पंगा नहीं लेना चाहिए था। इस भेड़ ने चुपचाप खड़े इस ऊंट पर हमला कर दिया। बस फिर क्या था, ऊंट शांत बैठने वालों में से थोड़ी है। उसने भेड़ की पूंछ पकड़ी और उसे घुमाना चालू कर दिया। इतना अच्छा सबक मिलने के बाद शायद ही ये भेड़ अब किसी से पंगा लेगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 6 चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में पार्ट 6 लिखकर जरूर बताएं, और यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये डॉग शांति से बैठा हुआ है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें भागने के लिए वो उन पर चिल्लाता है, जिसे सुनकर पप्पी डर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। बच्चों को रोते हुए देखकर मम्मा डॉग तुरंत वहाँ आ गई और सीधे सीधे पापा डॉग को कूट दिया, जैसे कह रही हो बच्चों पर वापस चिल्लाए तो खैर नहीं तुम्हारी। सच में माँ अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ सकती है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आपने अब तक काफी सारे शोज टीवी पर या फिर सामने बैठकर देखे होंगे, लेकिन हमारा अगला शो जरा अलग है, जिसमें वॉलरस कितने अच्छे और बढ़िया करतब दिखा रहे हैं, जो कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी काफी क्यूट लग रहा है। और इतना ही नहीं, ये ऐसी ऐसी ट्रिक्स कर रहा है जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा, जिसमें ये तालियां बजा रहा है, पुशअप्स कर रहा है। इतना ही नहीं, लास्ट में इसने सबको थैंक यू तक कह दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जू में जो जानवर होते हैं उन्हें रेस्क्यू किया होता है और उन्हें ठीक करने के लिए वहाँ रखा जाता है, या फिर किसी इनडेंजर प्रजाति को बचाने के लिए, जैसे कि यहाँ इन रेस्क्यू की गई डॉल्फिन्स को रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको कभी कोई जानवर परेशानी में दिखाई दे तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसकी मदद जरूर करें। दोस्तों, आजकल कई लोग खाना खाने के लिए एक तो रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर खाने को घर पर बैठकर ही ऑर्डर करते हैं, और जब हम ये ऑर्डर देते हैं तब जाहिर सी बात है कि हमारे डोर पर कोई डिलीवरी बॉय ही होगा, जो कि आम बात है। लेकिन क्या हो अगर आप पिज्जा ऑर्डर करें और आपके डोर पर ये प्यारा सा डॉग आकर खड़ा हो जाए? आप भी इसे देखकर काफी चौंक जाएंगे, क्योंकि आपकी ऑर्डर लेकर खास ये डॉग जो आया है इस वीडियो में, वो लेडी अपना पिज्जा लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डॉग उस बॉक्स को ही छोड़ नहीं रहा और बोल रहा है कि पहले पैसे फिर पिज्जा। अगर हमारे घर पर कभी ऐसा डॉग पिज्जा लेकर आए तो हम पिज्जा के साथ साथ इस क्यूट डॉग को भी रख लेंगे। आप क्या करेंगे नीचे कॉमेंट्स में बता दीजिए। आमतौर पर हम पैरेट को अगर पालते हैं तो उसे घर में या फिर किसी बड़े पिंजरे में रखते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखिए जरा, जिसमें इस पैरेट के लिए पूरा का पूरा घर ही बनाया गया है, जो कि उसके साइज के हिसाब से एकदम ठीक भी है और दिखने में काफी प्यारा भी। इसमें ये पैरेट बेड पर सोता है, बाथटब में नहाता भी है, और इतना ही नहीं, ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना भी खा रहा है, जो कि कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। वैसे इसे ऐसा करने के लिए सिखाया गया है, लेकिन वैसे भी तोते तो पहले से ही काफी होशियार होते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सा एनिमल पालना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हमारी ये वाली क्लिप जरा मजेदार होने वाली है, जिसमें हम कुत्तों की ऐसी लड़ाई देखने वाले हैं जो कि काफी फनी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसके चलते तीसरा कुत्ता दूसरे वाले को खींच रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन सामने वाला कुत्ता भी भौंके ही जा रहा था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर आखिर उस कुत्ते ने भी उस डॉग की रस्सी छोड़ दी, जिसके बाद जो कुत्ता शेर बनने की कोशिश कर रहा था वो तुरंत चुप हो गया, क्योंकि उसे पता है अब उसने एक आवाज भी निकाली तो उसकी बैंड बजने वाली है। और भी एक क्लिप है जिसमें कुत्तों की दो गैंग गेट के पास आकर एक दूसरे को टशन दिखा रही है और जोर जोर से भौंक रही है, जैसे पता नहीं अब तो दोनों कांड ही कर देंगे। लेकिन जैसे ही गेट खुला वैसे ही ये चेंज हो गए, जैसे कि एक दूसरे को जानते तक नहीं, और सब ने वहाँ से कटली ले ली। तो चलिए अब हम माउंटेन गोट्स की जंप भी देख लेते हैं, जिसे देखकर आप भी शॉक होने वाले हैं, जिसमें 4 से 5 गोट्स को आगे जाने के लिए इस बड़े से गैप से छलांग लगानी है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब ये काम सही सलामत कर पाएंगी?
आप ही देखिए, शुरुआत में एक गोट तो आसानी से ये गैप पार कर लेती है क्योंकि वो बड़ी है, लेकिन उसके पीछे एक बेबी गोट अब छलांग लगाने के लिए तैयार है और ये हुई विक्ट्री। ऐसे करते करते सारे गोट्स आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये देखने में इतना डरावना लग रहा है तो सोचिए इसे करने में कितना डर लगेगा। सच में यार, माउंटेन गोट्स की इस खासियत की तो दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, बिल्लियां पहले से ही खाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, फिर चाहे वो अपने ओनर की प्लेट में जाकर उस खाने को जबरदस्ती खाना ही क्यों न हो। लेकिन हमारी अभी की कैट्स जरा हट के हैं, जो कि अपने खाने के ऑर्डर दे रही हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दो कैट्स एक के बाद एक बैल बजाकर अपना खाना मंगा रही हैं। ये बिल्लियां काफी स्मार्ट हैं। वो कहते हैं ना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। इसका ही एक छोटा सा उदाहरण अभी आप देखने वाले हैं, जिसमें ये डॉग अपने ओनर के हाथों में है और सामने वाली लड़की पर भौंके जा रहा है। लेकिन जब उस लड़की ने उसे अपने हाथों में लिया तो वो तुरंत ही शांत बैठ गया, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। ये मोमेंट भी देखने में बहुत ही ज्यादा फनी था दोस्तों। डॉग की एक्टिंग तो अभी आपने देख ही ली, अब जरा इस उड़ते हुए डॉग को भी देख लीजिए। जहां बाकी डॉग्स उस गेट को पार नहीं कर पा रहे हैं, वहीं इस डॉग ने कमाल कर दिया। ऐसी पूंछ घुमाई कि वह खुद हेलीकॉप्टर ही बन गया और गेट पार कर दिया। आज पता चला कि कुत्तों में ये स्पेशल टैलेंट भी होता है, जिसके लिए एक जबरदस्त लाइक शेयर करें। आउल को तो आपने देखा ही होगा, जो कि काफी डरावने लगते हैं। कुछ लोग तो इनसे डरते भी हैं, लेकिन सारे आउल ऐसे नहीं होते। अभी इस आउल को देखने के बाद तो आप आउल से डरना भूल ही जाएंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सफेद रंग का आउल आराम से बैठा हुआ है, जो कि एक स्नो आउल है। तभी वहाँ उसका ओनर आता है और उसे प्यार से सहलाता है, जिसके बाद उस आउल की रिएक्शन आप खुद ही देख लो। ये सच में कितना प्यारा और मासूम है। तो दोस्तों, कौन कौन इस प्यारे और खूबसूरत आउल को पालना चाहेगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बच्चे जब एक साथ कहीं खेल रहे होते हैं तब कितने प्यारे दिखते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। लेकिन जानवर भी इस मामले में कुछ कम नहीं, जिन्हें ऐसा नहीं लगता वो इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें ये सारे पेंगुइन्स मस्ती से समंदर के किनारे छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये इतने छोटे होने के बावजूद देखिए बर्फ पर कैसे एक लाइन में चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात तो है ही और दिखने में भी काफी प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा करने के लिए सिखाया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को देखकर अपने आप ही ये बातें सीख जाते हैं। ये सच में अमेजिंग है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या इन प्यारे प्यारे पेंगुइन्स से मिलना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। बियर को आप में से काफी लोगों ने शिकार करते हुए या फिर कुछ ऐसी हरकतें करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी बियर को रॉक क्लाइंबिंग करते देखा है? आप में से सभी का आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। बियर ट्री पर तो आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन ये चट्टानों पर भी चढ़ सकते हैं, ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये साबित हो गया, बियर भी आसानी से रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को 2014 में मस्टेफनी लेटिमो नामक एक व्यक्ति ने शूट किया था, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन से जानवर का मोमेंट सबसे ज्यादा फनी लगा या फिर पसंद आया, नीचे कमेंट में बताइए। और हमें इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक कमेंट और एक शेयर जरूर बनता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।